से संपर्क टूटने के बाद पीएम मोदी ने इसरो पहुंचकर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। इस दौरान इसरो के चेयरमैन के सिवन काफी भावुक हो गए, जिस पर पीएम मोदी ने उन्हें गले लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाई। इस दौरान पीएम मोदी भी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्थित इसरो सेंटर से देश को संबोधित किया और चंद्रयान 2 के संपर्क टूट जाने से उन्होंने वैज्ञानिकों को निराश नहीं होने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया और कहा कि वैज्ञानिकों ने पूरे देश की जनता को मुस्कुराने का मौका दिया है और पूरा देश वैज्ञानिकों पर गर्व कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसरो के वैज्ञानिक मक्खन पर लकीर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने की ताकत रखते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसरो के पास कामयाबी की एक लंबी लिस्ट है और एक छोटी सी बाधा उन्हें नहीं रोक सकती है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी इसरो चीफ के सिवन को गले लगाकर उन भावुक पलों में उनको संभालते हुए, और दूसरी उस वक्त की तस्वीर जब इसरो में मौजूद हर एक वैज्ञानिक से प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ मिलाया और उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि एक कोशिश कामयाब नहीं हो पाई लेकिन अगली कोशिश कामयाब होगी और भारत को सफलता हासिल जरूर होगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी कंधे से कंधा मिलाकर वैज्ञानिकों के साथ खड़े नजर आए। पूरी रात वो बेंगलुरु में इसरो के सेंटर में मौजूद थे, हर एक एक्टिविटी को देख रहे थे और जब प्रधानमंत्री मोदी यहां से विदा ले रहे थे उस वक्त इसरो चीफ के सिवन भावुक हो गए और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि उन्हें खुद इसरो पर और हर एक वैज्ञानिक पर गर्व है क्योंकि जो उन्होंने किया वो आसान नहीं था। कड़ी मेहनत की पूरे मिशन को कामयाब करने में और इस वक्त जो फर्ज एक प्रधानमंत्री मोदी को निभाना चाहिए वो फर्ज बखूबी निभाते हुए नजर आए और ये भी कहा कि वो आज इसरो सेंटर में यहाँ पर मौजूद तमाम वैज्ञानिकों से बहुत कुछ सीख रहे हैं और वैज्ञानिकों के सपने मेरे सपनों से भी बड़े हैं और मैं आप लोगों से सीख रहा हूँ कि किस तरह मुश्किल में घबराना नहीं है और निरंतर प्रयास करते जाना है क्योंकि विज्ञान में विफलता जैसा कुछ नहीं होता, विज्ञान में सिर्फ प्रयास और प्रयोग होता है। कोई बात नहीं कि एक प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया लेकिन हम फिर से उठेंगे, फिर से पूरी मेहनत करेंगे और पूरे हौसले के साथ दोबारा हम कोशिश करेंगे और फिर जो भारत का परचम है वो पूरी दुनिया में लहराया जाएगा। आज जीत नहीं मिली लेकिन कल इसरो को कामयाबी जरूर हासिल होगी। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं और इसलिए मां भारती का सर ऊंचा हो, इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था और उसलिए
ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका, कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था, बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया है, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे। आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। टू अवर साइंटिस्ट आई वॉन्ट टू से इंडिया इज विथ यू। You are exceptional professionals who have made an incredible contribution to national progress. You have given your best always and will give us several more opportunities to smile.
ट्रू टू योर नेचर यू वेंचर्ड इनटू ए प्लेस वेयर नो वन हैड एवर डन बिफोर। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। यू केम एज क्लोज एज यू कुड। साथियों, परिणामों से निराश हुए बिना निरंतर लक्ष्य की तरफ बढ़ने की हमारी परंपरा भी रही है और हमारे संस्कार भी है। हमारा हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है जब शुरुआती रुकावटों के बावजूद हमने ऐतिहासिक सिद्धियां हासिल की है। खुद इसरो भी कभी न हार मानने वाली संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। अगर अपनी शुरुआती दिक्कतों और चुनौतियों से हम हार जाते तो आज इसरो दुनिया की अग्रणी स्पेस एजेंसी में से एक का स्थान नहीं ले पाता। साथियों, परिणाम अपनी जगह है, लेकिन मुझे और पूरे देश को अपने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, आप सभी के प्रयासों पर गर्व है। मैंने आपसे रात में भी कहा था और अभी फिर कह रहा हूं, मैं आपके साथ हूं। देश भी आपके साथ है। साथियों, हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाकर जाती है। कुछ नए आविष्कार नई टेक्नोलॉजी के लिए प्रेरित करती है और इसी से हमारी आगे की सफलता तय होती है। वैसे भी मैं मानता हूं, ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं। हर प्रयोग, हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। मैं खुद भी इस मिशन के दौरान, चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार चंद्रयान की स्थिति से जुड़ी सूचना लेता रहता था। साथियों, भारत दुनिया की अहम स्पेस पावर में से एक है तो उसके पीछे आप सभी का, दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है,
उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। ये भी आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। साथियों, हमारे संस्कार, हमारा चिंतन, हमारी सोच इस बात से भरी पड़ी है जो हमें कहते हैं और जिसमें हम विश्वास कहते हैं, वयम अमृतस्य पुत्रः, वयम अमृतस्य पुत्रः, हम अमृत की संतान हैं जिसके साथ अमरत्व जुड़ा हुआ होता है। अमृत की संतान के लिए न कोई रुकावट है और न ही कोई निराशा। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना है, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना नहीं है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हम मिशन के अगले प्रयास में भी और उसके बाद के हर प्रयास में भी कामयाबी हमारे साथ होगी। 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकती। आप सभी को आने वाले हर मिशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैंने पहले कहा वैसे ही, विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं होता है। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और प्रयास। वो परिणाम में से भी नए प्रयास के अवसर ढूंढता है, वो परिणाम से रुकता नहीं है। नहीं, वो परिणाम के सामने झुकता है और ये आपके संस्कारों में है और इसीलिए तो देश आपके प्रति गर्व करता है। मेरा आप पर भी विश्वास है, मुझसे भी आपके सपने और ऊंचे हैं, मुझसे भी आपके संकल्प और गहरे हैं, मुझसे भी आपका प्रयास सिद्धियों को चूमने का सामर्थ्य रखता है। और इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ आपके हौसलों पर भरोसा करके, दरअसल मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मैंने सुबह सुबह आपके दर्शन, आपसे प्रेरणा पाने के लिए किए।
अपने आप में प्रेरणा का समंदर है, प्रेरणा का जीता जागता सबूत है। और इसलिए इस प्रेरणा की पल है मेरे लिए, जहां निराशा को वैज्ञानिक मन आशा में परिवर्तित कर देता है, जहां सपनों को वैज्ञानिक मन सिद्धि में अंकुरित